अलवर की राजनीति में इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त फोन लाइन पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ तिजारा के पूर्व विधायक संदीप यादव हैं। उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, किस बात की नाराजगी है आखिर आपको? जी हाँ जी बताइए। हेलो, जी, किस बात की नाराजगी है आपको? नहीं देखिए राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीति नाराजगी से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता किसी को। बात तो ये है कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और पार्टी को लगातार सहयोग किया, सरकार को सहयोग किया, पार्टी के लिए काम किया, मेरे एरिया में भी पार्टी के लिए काम किया है ना। और उसके बाद जब भी मुझे जरूरत हुई पार्टी का सहयोग मुझे नहीं मिला। राजी नाराजी रहती है परिवार में ना, इसी बात की। लोकसभा टिकट के लिए मैंने प्रयास किया था, पार्टी ने नहीं दिया, क्या कारण रहा क्या नहीं रहा उन सब बातों की बात करेंगे। पिछली बार आपने तिजारा से टिकट नहीं मांगकर विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ बास से मांगा, लेकिन आपको किशनगढ़ बास से टिकट नहीं मिला। अब आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, जिसको पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल, मुझे आश्वासन दिया गया था कि आपको प्रायोरिटी रखी जाएगी। जब किसने शुरुआत आश्वासन से दिया? पार्टी के सभी नेताओं से बात हुई थी, लगभग लोग जो जो इस हमारे स्टेट लेवल पे जो चुनाव समिति के लोग हैं उन सबसे लगभग बात हुई थी मेरी। सभी ने यही कहा था कि लोकसभा की प्रायोरिटी पे रखेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिला? कारण तो पार्टी के लोग ही बताएंगे क्या था उनका, क्यों नहीं दिया। बाकी मुझे आश्वासन था, मेरी तैयारी भी की, मैंने मेहनत भी की हुई थी, मैंने 5 साल भी जनता की सेवा की पूरा, जब भी लोगों के बीच में रहकर पूरे अलवर जिले के लोगों के जहाँ भी जरूरत पड़ी सरकार में मैंने उनका साथ दिया। और लोगों की मनसा भी थी, लोगों ने सहयोग भी किया, लोगों का मन भी था। पूरे जिले भर से कार्यकर्ताओं में इस तरह की बातें सब जगह से आ रही थी, सब लोग मुझे सहयोग कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। अब वो तो पार्टी के लोग जाने का उसमें हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि आपके टिकट कटने के पीछे कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, जिन्होंने अलवर की राजनीति में हस्तक्षेप किया और आपको टिकट नहीं लेने दिया, ऐसा आपका मानना है? देखिए इसके बारे में तो क्या बताए, किस किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है ना। मेरा तो ये कहना है कि जब मैंने सरकार का साथ दिया तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी से मुझे कुछ नहीं मिला है ना। मैं विधायक बन के आया, मैं मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से चुन के आया था, उसके बाद क्षेत्र की जनता के काम के लिए मैंने समर्थन किया था है ना। सरकार में भागीदारी की बात आई तो भी हमने कभी इस बात पे भी वो नहीं किया, जबकि हमारा कमिटमेंट था उसमें नहीं किया तो भी हमने इस बात पे संतुष्टि कर ली कि भाई हमारे क्षेत्र में काम हो। जिले के मामले में मैं पिछड़ गया मैं। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो उसमें भी टिकट नहीं दिया, अब लोकसभा के लिए आश्वासन था लोकसभा भी नहीं दिया। तो लगातार इससे कार्यकर्ताओं में भी मायूसी आ रही है। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता को ये तो रहता ही है जो जनता के बीच में जाए, चुनाव लड़े, किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो उससे इतनी उम्मीद तो करता ही है जी। पर लगातार मेरे साथ धोखा हुआ है। अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह का काफी हस्तक्षेप रहता है। करण सिंह भी आरोप लगा चुके हैं कि अलवर में कांग्रेस की राजनीति फूलबाग से शुरू होती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, भंवर जितेंद्र जी का तो रोल रहेगा ही। अलवर में जब टिकट वितरण की बात आती है तो मुझे नहीं लगता उनके बिना कुछ भी होता है। अब वो मैं उनसे मिला भी था, लगातार मुलाकात भी हुई थी और मैंने यही बात पूछी थी, लगातार हर बार यही बात हुई है कि भाई आप जिसको देना चाहेंगे दे, पर मेरा क्या भविष्य है और मुझे मतलब मुझे किस आधार पे नहीं दे रहे हैं, इस बात की संतुष्टि जरूर करें मेरी। तो आपकी भंवर जितेंद्र सिंह से बात हुई थी टिकट को लेकर के? बिल्कुल, चुनाव से पहले कई बार मुलाकात हुई और जिस दिन टिकट वितरण हुआ, टिकट वितरण से पहले टिकट वितरण हुआ उस दिन भी मुझसे अंडे भी मुलाकात मेरी थी। इसके बाद और कोई बातचीत हुई हो जब आपका टिकट कटा, तब बातचीत हुई हाँ हो जी, आपकी? फोन आया था मुझे, उन्होंने कहा था कि सर्वे के आधार पर, जबकि मुझे नहीं लगता सर्वे कहीं ऐसा कुछ आया है कि भाई वो ललित यादव भी छोटा भाई है, कोई बात नहीं है, वो अभी विधायक है पर सबका अपना अधिकार है, वो अभी सिटिंग एमएलए है, उन्होंने एमएलए की टिकट मांगा, पब्लिक ने उनका साथ दिया, पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो मुझे सरकार का सहयोग करने का या पार्टी के लिए काम करने का मुझे कुछ नहीं मिला, तो मुझे मिलना चाहिए था। और जनता की आवाज थी लगातार, पूरे जिले भर से लगातार सहयोग समर्थन मुझे मिल रहा था, मैंने
जिले में काफी जगह पर मैं गया भी हूँ, लोगों से मिला भी हूँ, तो सब जगह पर पॉजिटिव माहौल था। अब अगला कदम क्या रहने वाला है संदीप यादव का? आप कह रहे हैं कि ललित यादव छोटे भाई हैं, तो आगे देखिए आप मेरे क्या देखिए करेंगे? ललित यादव छोटे भाई है, पर मुझे मेरा भी कैरियर देखना है ना। मेरा राजनीतिक भविष्य जहाँ ठीक लगेगा, मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरी टीम से, जिनकी वजह से मैं वहां तक पहुंचा, मैं विधायक बना, जनता की सेवा करने के लायक बना, है ना, उन सभी टीम के सब साथियों से मुलाकात करूंगा, जल्दी लोगों के बीच में आऊंगा, लोगों से बातचीत करेंगे, जो टीम के लोगों का जो उनका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। आपकी बातचीत से लग रहा है संदीप जी कि आप पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे सभी टीम के साथी, ये जो लोग लगातार मेरे साथ रुके हुए हैं आज तक भी, उन सब को बुला के बातचीत करके, सबसे सलाह करके, जल्दी जो भी निर्णय होगा सबका वो आपको बता दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये तय है आपका? नहीं लोकसभा चुनाव लड़ने का भी कोई मन नहीं है, अगर हाँ टीम के साथ ही बाकी लोग कहेंगे तो वो बात की बात है, अभी तो क्या करना है क्या नहीं करना है उन सब पर निर्णय करना होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा। जब आप तेजारा से विधायक बने थे तो आप बसपा पार्टी के टिकट पर जीते थे और उसके बाद आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, तो अब क्या आप अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाएंगे या उनसे कुछ बातचीत हुई हो? हालांकि अलवर में बसपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए जब भी कोई निर्णय हुआ है वो जनता के हित के लिए हुआ है ना। बसपा का समर्थन उस समय कांग्रेस को था, पर हमारे क्षेत्र के लोगों काम ठीक से नहीं हो पा रहे थे। हमने हर बार यही कहा है कि स्थायी सरकार हो राजस्थान में, राजस्थान के लोग बार 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 चुनाव का बोझ नहीं झेले, राजस्थान के लोगों को स्थायी सरकार मिले और वो सरकार लोगों के लिए काम करे। जब भी समय आया हमने सरकार को समर्थन भी किया, जब भी कोई जनता के हित की बात आई है तो हम लड़े भी हैं, है ना, तो जनता के हित के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। तो साथ ही अपना भी राजनीतिक भविष्य देखना ही होता है ना, तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सोच समझ के लिया जाएगा, सब कार्यकर्ताओं से सलाह करके तब बात करके आपको जैसा भी होगा आपको जरूर बताएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, ये जी फोन धन्यवाद, लाइन पर हमारे थैंक साथ यू। थे संदीप यादव, जो कि कह रहे थे कि जो भी निर्णय होगा वो आगे बता दिया जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए संदीप जी। थैंक यू, थैंक यू।